उपस्थित है। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्री रतनलाल जी धारुका जी, जो कि अग्रवाल समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और साथ में विजय भाई जी धारुका जो नित्य के यजमान हैं, उनके द्वारा पूज्य गुरुदेव भगवान का पूजन एवं पुराण पूजन। इस समय पूज्य गुरुदेव भगवान को माला पहनाई जाती है, तो आप लोग जोरदार कल्त ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। भोग रख दीजिए, पुराण पे भोग रख दीजिए। आज हम सभी भक्तों के मध्य में प्रभु श्री राम कथा का द्वितीय दिवस समुपस्थित है। मुख्य यजमान और नित्य के यजमान के द्वारा पूज्य गुरुदेव भगवान का माल्यार्पण कर स्वागत एवं पुराण पूजन किया गया। ओम इदगंगे पजनामे अशदस वीरगंग सर्वगणगंग सुस्तये आत्मशनि प्रजाहसनि पतसनि लोकसनि अवेसनि अग्नि प्रजाम बहुलामे करोत्पन्नम कयोरेतो अश्वाशुजतो। हाँ, जो भक्त लोग पापुशी पधारे हैं, हमारे आदरणीय श्री प्रकाश भाई जी एवं अतुल जी चौकसी, आदरणीय श्री अतुल जी चौकसी एवं प्रकाश भाई जी जो कि बापी से पधारे हुए हैं, विजय भाई जी पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अंग वस्त्र भेंट पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा किया जा रहा है, तो जोरदार कर्तव्य धुन के साथ स्वागत करना चाहिए। जब गुरुदेव भगवान के द्वारा यह प्रसाद दिया जाता है, तो आप सभी लोगों को कर्तव्य धुन के साथ जोरदार स्वागत करना चाहिए। हमारे जो नित्य के यजमान हैं, मुख्य यजमान हैं, उनकी जो धर्म पत्नी है, उनको पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा आशीर्वाद दिया गया है। और देखिए, यहाँ के भक्त तो अभी कुछ आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं, लेकिन कितनी दूर वापिस भक्त लोग पधारे हुए हैं भगवान की पावन कथा श्रवण करने हेतु। कहा भी गया है शास्त्रों में कि कथा श्रवणित आइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जब आप भगवान की कथा श्रवण करने हेतु पधारते हैं, हमारे अग्रवाल समाज के अग्रणीय आदरणीय श्री बाबूलाल जी मित्तल जी, उनके द्वारा पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया गया। पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा हमारे जो प्रकाश जी मिस्त्री जो कि वापी से पधारे हुए हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट प्राप्त करेंगे। आदरणीय श्री प्रकाश जी मिस्त्री जी, आप पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रतीक चिन्ह प्राप्त करेंगे। एवं हमारे आदरणीय श्री अतुल जी चौकसी, हाँ, आप भी पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रतीक चिन्ह प्राप्त करेंगे। एवं श्री बाबूलाल जी मित्तल जी, हमारे आदरणीय जो इस अग्रवाल समाज के जो अध्यक्ष जी हैं, उनके द्वारा यह प्रतीक चिन्ह प्राप्त कर रहे हैं। हमारे जो अग्रवाल समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्री रतनलाल जी धारका, उनके द्वारा हमारे आदरणीय मित्तल जी को प्रतीक चिन्ह एवं गुरुदेव भगवान के द्वारा यह प्रतीक चिन्ह भेंट किया जा रहा है। सभी लोग जोरदार कर्तन धन के साथ स्वागत करेंगे। हमारे बिहार विकास परिषद के जो अधिकारी गढ़ हैं, जो यहाँ पर पधारे हुए हैं, वे भी आप पधारे और पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा अंग वस्त्र भेंट प्राप्त करें एवं भगवान श्री राम की पावन कथा का जो यह प्रतीक चिन्ह है, भेंट है, वे आप पूज्य गुरुदेव भगवान से प्राप्त करें। बिहार समाज के, बिहार विकास परिषद के जो सभी सम्मानित अग्नि सदस्यगण हैं, वे पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अग्रवाल समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं श्री रतनलाल जी आप भी पधारें और हमारे जो बिहार विकास परिषद है उसके जो सम्मानित सदस्यगण पधारे हैं उनको प्रतीक चिन्ह भेंट करें। बिहार विकास परिषद के चेयरमैन श्री के शर्मा जी, संयोजक श्री सुनील मिश्रा जी, अध्यक्ष श्री दिलीप शाह जी और लोकेंद्र जी और रतन बाबू बिहार विकास परिषद के, ठीक है मैं तो गुरु जी से आशीर्वाद। नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिल पाल जहाते कवि गोविंद कही सके कहाते तुम उपकार सुप्रीमहिना राम मिलाए राज पद देना तुम्हारो मंत्र विभीषण लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जो जन पर भानु नीलो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मोद्रिका मेरी मुख माही जलधिलाम गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसा तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो डरना आपन तेज संभारो आपे तीनों लोक आपते कांपे निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाथ रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट से हनुमान छुड़ावे क्रम वचन ध्यान जोलावे तब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई जीवन फल पावे चारो युग पर ताप तुम्हारा है पर सीध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पावे
जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबर पुर जाई, जा जन्म हरि भक्त कहाई। और देवनाथी तना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतवार पाठ करे सोई, छूटहि बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीधे साथी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि तेरा, चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। व्यास रूपाय विष्णवे नमः।
ओमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। पुनि मन वचन करम रघुनायक पुनि मन वचन करम रघुनायक चरण कमल दौ सब लायक चरण कमल सब राजीव नयन हरे धनुषायक राजीव नयन हरे धनुषायक भगत विपति बन जन सुखदायक जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करो निधान की अतिशय प्रिय करो हनुमान राम जासू
जग जाए प्रणाम जोड़ी डूब पानी करहु प्रणाम जोड़ी डूब पानी रामचंद्र भगवान की जय। वॉल्यूम बढ़ाओ। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। भवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। बोल भाई सब संतन की कीर्तन करो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय राम जय राम जय जय राम।
भगवान की जय। आत्मीय बंधु, देवतुल्य भाइयों तथा शक्ति स्वरूपा माताएं, भगवान श्री राम के पावन कथा का आज द्वितीय दिवस है। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन गुजरात के तत्वाधान में सूरत में ये कथा हो रही है। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुनहि बहु विधि सब संता। ईश्वर अनंत है और उसकी कथा भी अनंत है। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोट लगी जाहि न गाए। भगवान के चरित्र को करोड़ों कल्प तक गाए फिर भी पूरा नहीं गा सकते, तो 7 दिन में क्या गाएंगे। तदपि यथाश्रुति कहूं बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी। फिर भी जो शास्त्रों में वर्णन है, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा कि हाथ में धनुष बाण लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम को हृदय में धारण करके कुछ कथा उनकी सुनाता हूं। कल कथा सुनाई गई, आज अभी कोरोना के बाद माहौल बनने में भी समय लगा, लोगों को घरों में रहने की इतनी आदत हो गई है कि निकलने में भी दिक्कत होती है। अब क्या जाना, सब कुछ ऑनलाइन है, कथा भी ऑनलाइन, पढ़ाई भी ऑनलाइन और काम भी घर से ही। क्या वर्क एट होम, वर्क इसी टाइप का कुछ है। अब तो लग रहा आदमी आदमी न रह के कुछ और हो जाएगा, तो इसलिए कथा में भी आने में थोड़ा अभी लग रहा है। फिर भी श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावानों को ज्ञान का लाभ मिलता है। दूर दूर से भी लोग आए हैं, वापी से प्रकाश भाई मिस्त्री सब परिवार पधारे हैं, अतुल भाई चौकसी परिवार सहित आए हैं, और भी यहाँ के भी अग्रवाल संगठन, अग्रवाल समाज, सूरत के समस्त समाज और बिहार विकास परिषद के लोकेंद्र जी, शर्मा जी और मिश्रा जी सब लोग पधारे हैं। धीरे धीरे चैतन्यता आ रही है। ईश्वर की कथा कल्याणकारी होती है, जो हमारे जीवन की थाक उतार दे वही तो कथा है। कल कथा प्रारंभ की गई थी याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज जी को माघ के मेले में प्रयागराज में ये कथा सुनाते हैं। कहते हैं तात सुनहु सादर मन लाई, कहु राम के कथा सुहाई। हे तात मन लगाकर सुनिए, मैं आपको राम की कथा सुनाता। क्या सुनाया, एक बार त्रेता जुगमाही, संभ गए कुंभज ऋषि। एक बार त्रेता युग की घटना है, भगवान भोलेनाथ के मन में इच्छा हुई कि भगवान श्री राम की कथा सुने, तो कौन सुनाएगा। कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त मुनि के पास कथा श्रवण के लिए पहुंचे। संग सती जग जननी भवानी, भवानी जगदम्बा सती मैया साथ में थी। जैसे ही पहुंचे ये दोनों, अखिलेश्वर जानको कर, परम पिता जानकर, महादेव जानकर, ऋषि ने उनके चरण पखारे, चरण वंदन किया, पूजन किया और बिठाया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, मुनि ने राम जी की कथा सुनाई। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनकर शिव जी को परम शांति हुई। लेकिन सती जी को कोई शांति नहीं मिली, क्योंकि उन्हें यह लगा कि जिसे ये जगत पिता कह रहा है,
ये तो जगत पिता लायक है नहीं, लेकिन क्यों ऐसी स्थिति आई? स्थिति इसलिए आई कि जब कथा सुनने के लिए बैठी तो मन में पहले ही ये भ्रम उत्पन्न हो गया कि कथा आते ही जो नमन वंदन करने लगा वो क्या कथा सुनाएगा। कथावाचक तो बड़ा होना चाहिए, कोई फेमस होना चाहिए। अगर ये भाव लेकर कथा सुनने आप आए या गए तो समझ लें कथा का लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि कथा कौन सुना रहा है ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि किसकी कथा सुना रहा है। संसार की कथा सुना रहा तो बहुत बड़ा महत्व नहीं है, अगर राम की कथा सुना रहा तो वो कथा महत्वपूर्ण है। सुनाने वाला तो बालक भी सुना सकता है। मधुर वचन तब बोले उ कागा, कौवे ने मधुर वाणी में कथा सुनाई। कौवा कितना भी मधुर सुनाएगा तो कितना मधुर सुनाएगा, काउ काउ, लेकिन भगवान की कथा यदि कौवे जैसा भी कोई सुनाए तो भी मधुर ही होगी। इसलिए कभी भी कथा में जाए तो मन से पूर्वाग्रह निकाल देना चाहिए कि हम बड़े ज्ञानी हैं, बहुत समझदार हैं, कथावाचक नादान है। संभव है कथावाचक नादान हो, लेकिन कथा नादान नहीं है, कथा भगवान की है, इसलिए वो लाभ आपको देगी। सती के मन में यही भाव आया कि जिसने चरण वंदन किया, जिसने पूजन किया, वो क्या कथा सुनाएगा। कभी भी भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग पे जाए ये या कथा श्रवण के मार्ग पे जाए तो मन को साफ कर दे। एक जगह दो चींटी रहती थी, आपस में सहेली थी दोनों। एक दिन छुट्टी के दिन एक चींटी अपने सखी के घर पहुंची। ये जो पहली चींटी रहती थी उसके गांव का नाम था लवनपुर, नमक ग्राम, और दूसरी चींटी जहां रहती थी उसका नाम था शक्करपुर, चीनी ग्राम। नमक वाली चींटी चीनी वाली के घर गई, और जिसकी जैसी मानसिकता होती है चर्चा भी वहीं से शुरू करता है। उसने कहा, सखी सारा संसार नमकीन है, कहीं मिठास नहीं। और चीनी वाली कहती है, रसो वैसा, सारा संसार तो रस से भरा हुआ है, मीठा ही मीठा है। तो नमक वाली जिद करने लगी, नहीं सब नमकीन है। तो चीनी वाली ने कहा कि एक दिन मेरे घर रह के देखो। उसका घर क्या है? चीनी की बोरी। चीनी की बोरी में नमक वाली रुकी, रात भर चीनी चाटती रही, लेकिन मिठास का तनिक भी एहसास नहीं। प्रातः काल कहने लगी कि सखी, मैंने कहा था ना कि संसार नमकीन है, तुम्हारे यहां भी तो नमक ही भरा है। चीनी वाली ने कहा, असंभव, मेरे यहां मिठास ही मिठास है, जरा अपना मुंह खोल के दिखाना। जैसे ही मुंह खोला देखा उसमें नमक भरा हुआ था। तो पूछा, ये क्या है? तो कहा कि मेरी आदत है घर से जब चलूं तो कुछ न कुछ मुंह में डाल के चलती, और मेरे घर नमक है तो मैं नमक ही डाल के चलती। तो चीनी वाली ने कहा कि यदि मुंह में पहले से नमक भरा रहेगा तो चीनी का स्वाद कैसे आएगा। ठीक ऐसे ही संसार के कूड़ा कबाड़ा कचरा निंदा ईर्ष्या द्वेष घृणा कलह वैमनस्य काम क्रोध लोभ मोह, ऐसी चीजें मन में भरी रहेंगी, लाख कथा में बैठ जाइए खुलेगा ही नहीं। ऊपर से कथा जाएगी लेकिन भीतर वाला ही रस आपको मिलेगा जो लेके आए हैं, इसलिए खाली करके आना ताकि यहां जो दिया जाए वो आपको मिल सके। आगे बढ़े, गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान को समझना आसान नहीं है, उनका चरित्र बड़ा विचित्र है। अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही
मति मंद विमो भवस हृदय धरही कछुआ। अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान। भगवान का चरित्र अति विचित्र है, ये सुजान लोग जो जानने के माहिर है वो जानते हैं। कि विवेक न हो, समर्पण न हो, श्रद्धा न हो तो भगवान के चरित्र को समझना बहुत मुश्किल है। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विषेका। तभी शिव जी ने राम जी को देखा, वहां से कथा सुन के आ रहे हैं, मन ही मन पुलकित हैं, आनंदित हैं, और यहां भगवान के दर्शन हो गए। आनंदित हुए, रोम रोम पुलकित होने लगा, शरीर में रोमांच होने लगा, शरीर में कंपन होने लगा। और कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद जग पावन। अस कहि चलहु मनोज न सावन, अस कहि चलहु मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। बार बार शरीर में रोमांच होता है, आंखों से अश्रुधार बह रहा है, भोलेनाथ भाव विभोर है कि प्रभु के दर्शन हो गए। लेकिन ये देखकर सती जी को बड़ा दुख हुआ। एक वनवासी, एक राजपुत्र जिसके पिता ने घर से निकाल दिया, इसकी पत्नी खो गई है, बेचारा दुखी वन में भ्रमण कर रहा है। और उसे हाथ जोड़कर ये कहते हैं त्रिलोकी नाथ महादेव की जय सच्चिदानंद जग पावन। ये तो बड़े भ्रम की स्थिति है। भोलेनाथ ने देखा सती जी के मन में शंका है, बहुत समझाया कि ये साधारण नहीं भगवान है, परमात्मा अवतार लेकर आए हैं। लेकिन सती जी मानने को तैयार नहीं, नाना प्रकार से समझाते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे विद्यावै, पहिने ति निगम पुराण आगम जा सुखी रति गावै। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे विद्यावै, पुराण रागम जा सुखी रति गावै। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मरि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मरि। निज तंत्र नित रघुकुल मरि, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावै। मुनि सिद्ध तपस्वी पवित्र हृदय से जिनका ध्यान करते हैं, कही नेति निगम, ईश्वर कौन है, ईश्वर कहां है, पूरे संसार को दिखा दे तो नहीं, इतना ही नहीं है और भी है। तो जिनको, जिस परमात्मा को नेति नेति कह के पुकारते हैं, श्री राम व्यापक ब्रह्म भुवन, वही भगवान नारायण राम जी के रूप में यहां संतों के रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर आए हैं।
ये कथा घर बैठे भी लोग देख रहे हैं, शुभ टीवी के माध्यम से आप सब अपने घर में भी ये कथा देख रहे हैं, और जो लोग यहां हैं जिनके रिश्तेदारों को न पता हो वो मैसेज कर सकते हैं कि घर बैठे भी कथा का श्रवण करें और आपको भी देख लें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। साधु धर्म गौ ब्राह्मण और धरती की रक्षा के लिए भगवान आए हैं, लेकिन सती जी को विश्वास नहीं हुआ। ये तो भगवान की कथा है, लेकिन जीवन में इन प्रसंगों को अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत तरह की विपत्तियों से बचा जा सकता है। सती जी अर्धांगिनी है भगवान महादेव की, गृहस्थी विश्वास से चलता है। एक बार एक युवक ने संत कबीर से पूछा कि गृहस्थी बने या साधु बने, क्योंकि जब मैं गृहस्थियों का पिकनिक मनाना देखता हूं, बर्थडे पार्टी देखता हूं, इतना तामझाम, लाइटिंग डांस, तो लगता गृहस्थी बनना बहुत अच्छा है। लेकिन गृहस्थियों की जब लड़ाई तकरार देखता हूं, पति पत्नी की फाइटिंग देखता हूं, कोर्ट में मुकदमे चलते वो देखता हूं, तो लगता कभी गृहस्थी मत बनना। संतों के चरणों में लोगों को गिरते हुए देखता हूं, संतों के गले में इतनी मालाएं पड़ते देखता हूं, तो लगता है कि संत ही बनना चाहिए। लेकिन संतों की जब तपस्या देखता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, रात भर भी जगे हो फिर भी साधना करिए, हिमालय चले जाइए, कोई अपना नहीं और सब अपना ही है, घर द्वार छोड़ दीजिए, तो लगता ये नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? संत कबीर से युवक ने पूछा, गृहस्थी बने या संत बने? तो लेके गए उसे अपने घर, दिन के दोपहरी में कहा अपनी पत्नी से कि रोशनी थोड़ी कम लग रही है, लालटेन जला के दे देना। पत्नी भी लालटेन जला के लेके आई, रख दिया, थोड़ी देर बैठे, बोले कि हां अब दिखाई पड़ रहा, ले जाइए। ले गई, आगे बढ़े, एक पहाड़ी पे संत रहते थे, गए जाके बैठे, चरण छुआ और पूछा, बाबा आपकी उम्र कितनी है? बोले 80 साल। फिर थोड़ी देर बैठे रहे, बोले बाबा आपकी वास्तव में उम्र कितनी है? बोले 80 साल। फिर थोड़ी देर बैठे रहे, बोले मतलब हमारा कहना है कि असली उम्र आपकी क्या है? बोले 80 साल। बाबा नाराज नहीं हुए, नहीं तो होते कोई और, तो कहते कि 3 बार एक ही बात पूछ रहे हो, बहरे हो। तो संत कबीर बाहर आकर कहने लगे इस युवक से कि अगर गृहस्थी में जाना है तो विश्वास एक दूसरे का इतना होना चाहिए कि दिन के दोपहर में भी कहे अंधेरा तो विश्वास हो जाना चाहिए। एक को नहीं दोनों को, दोनों को एक दूसरे पे होना चाहिए। और यहां तो झूठे लेना झूठे देना सब चल रहा है। शिव जी की अर्धांगिनी है यहां सती जी, और शंका शुरू हुई। शिव जी ने कहा कि ये भगवान है, अवतार है, मानने को तैयार नहीं, कितना भी समझाया मानने को तैयार नहीं। तो कहते जो तुम्हारे मन कछु संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो, यदि मन में आपके इतना संदेह है तो परीक्षा ले। तो कहते कोई परीक्षा तो लेना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आती हूं तुमके, मतलब उनकी सुननी भी नहीं है और यह भी नहीं होने देना है कि नहीं नहीं मैं परीक्षा लेने जा रही हूं। बोले नहीं कोई परीक्षा नहीं, बस आती हूं। और सोच के गई कि अभी मैं सीता जी का रूप बनाऊंगी, इस वनवासी की पोल खोलूंगी, ये भगवान है, पत्नी को ढूंढ रहा है, पत्नी मिल जाए तो खुश हो जाएगा। तो सती जी ने सीता मैया का रूप धारण किया और चली गई। दूर से ही भगवान ने देखा और लक्ष्मण जी से कहा, देखो नारी स्वभाव प्रभाव, हे लखन जी नारी के स्वभाव का प्रभाव देखिए कि ये आदि शक्ति है, जगत जननी है, लेकिन इनके मन से शंका अभी तक गई नहीं।
भोलेनाथ पे ही शंका कर रही है, आके खड़ी हो गई। भारतीय संस्कृति में पति पत्नी दोनों बराबर है, अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है और वो पति है, दोनों पहिया है एक गाड़ी के। लेकिन माना जाता है उम्र की दृष्टि से भी पत्नी थोड़ी कम उम्र की होती है तो पति का सम्मान करती है। तो यहां आप ध्यान देना कि आई है सती जी सीता मैया बनके, तो सीता मैया का कर्तव्य था राम जी को प्रणाम करें, था या नहीं? आके खड़ी हो गई। असली सीता जी होती तो कभी खड़ी होती? वो तो खुश होकर दौड़ के जाती, चरणों में गिर जाती कि प्रभु मैं खो गई थी मिल गई। चुपचाप खड़ी हो गई, भगवान ही प्रणाम कर रहे हैं। जोरी पान प्रभु किन्न प्रणाम, पिता समेत लिन्न निज नाम। हाथ जोड़ के प्रणाम किया, बोला देवी मैं राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम और ये मेरे अनुज लखन है। अगर वो सीता जी होती तो राम जी परिचय देती, पहचान लेती। जब इतना परिचय दिया अभी भी सती जी को समझ में नहीं आ रहा कि पहचान चुके हैं, तो भगवान ने कहा कहीं बहोरी कहां ऋषिके तू, हे देवी भोलेनाथ कहां है, अकेले कैसे इधर उधर घूम रही है। इतना कहना था कि चक्कर आने लगा, घबरा गई। जह चित वही तह प्रभु वासीना, जहां देखे वहां प्रभु ही दिखाई दे। सेव ही सिद्ध मुनीश प्रवीणा, सारे सिद्ध ज्ञानी मुनि उनके चरणों की सेवा में लगे। अब तो इतनी घबराहट पड़ी कि हृदय कंप तन सुधि कछुना ही, नयन मूद बैठी मगमाई। जहां देखे वहां प्रभु से सैया पे विराजमान है, लक्ष्मी जी पैर दबा रही, ऋषि मुनि सेवा आरती में लगे हैं। ये देख के सती जी का दिमाग घबरा, हृदय में कंपन होने लगा, तन की सुधि नहीं, आंख बंद करके बैठ गए। जमीन पकड़ के बैठ गए। शत्रुघ्न प्रसाद जी सामना के पहले संपादक रहे हैं मुंबई, वो भी मुंबई से पधारे, नजर नहीं आ रहे किधर के है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हृदय कंप तन सुधि कछुना ही, नयन मूंद बैठी मगमाई। हृदय में कंपन है, तन में कोई सुध नहीं, आंखें बंद करके बैठ गई। जैसे चक्कर आ जाए तो जमीन पकड़ लेते हैं। बड़ी मुश्किल से उठी और गई भोलेनाथ के पास। गई समीप महेश तब हसी पूछी कुशला, लिन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब पार। समीप गई भोलेनाथ के, भगवान भोलेनाथ ने हंस के पूछा लिन परीक्षा कवन विधि, देवी कैसे परीक्षा लिया? तो झूठ बोल दिया, कछु न परीक्षा लिन्न गुसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे। हे गुसाई मैंने तो कोई परीक्षा नहीं लिया, मैंने भी जाके इतना ही कहा जय सच्चिदानंद जग पावन। हे प्रभु ऐसा नमन किया, भोलेनाथ ने देख लिया कि झूठ बोल रही है। एक तो अविश्वास करना और ऊपर से झूठ बोल देना, जब भोलेनाथ की गृहस्थी टूट जाती है झूठ बोलने से, तो आम आदमी की गृहस्थी का क्या होगा? और जहां एक झूठ से टूट गई, यहां तो रोज झूठ है, झूठ का ही खेल है और दोनों समझ रहे हैं कि सब झूठ चल रहा है, लेकिन सामने एकदम सब सच्चे हैं। मतलब सब लोग नहीं लेकिन अधिकतर जगह ये दिक्कत है। किसी ने कहा आखिर आदमी झूठ बोलता क्या? तो मनोवैज्ञानिकों का मत है कि भय झूठ का कारण है।
बच्चा माता पिता से डर के मारे झूठ बोलता, कहीं नाराज ना हो जाए तो बात बदल देता है। विद्यार्थी शिक्षक से झूठ बोलता है भय के कारण, कर्मचारी अधिकारी से झूठ बोलता है भय के कारण, पत्नी पति से झूठ बोलती है भय के कारण, पति पत्नी से झूठ बोलता है भय के कारण, और फिर आदत पड़ जाती है, फिर झूठ बोलने की आदत हो जाती है। जब से मोबाइल देवता आए तब से तो आदत पक्की हो गई है। कहीं कहां हो भाई, बस रास्ते में चले आ है। कहीं एक नई नई शादी हुई, तो शादी हुई तो ऑफिसर थे पति, पत्नी घरेलू थी, पहले ही दिन से ऑफिस गए तो बोलते और सब ठीक है, बोले हाँ घर में ही हो, हाँ घर में ही, तो जरा मिक्सी चला के दिखाना, तो उन्होंने मिक्सी चला दिया। और उसको कंप्यूटर सीखना था और ये घर से बाहर जाने नहीं देना चाहते थे, तो रोज फोन करते थे घर पे हो, हाँ घर पे है, जरा मिक्सी चला के दिखाना, तो मिक्सी चला दे दिया। एक दिन वो आधे घंटे में आ गए तो देखी पत्नी तो है नहीं, नौकर से पूछा मैडम कहाँ है, बोले वो तो रोज आप जैसे जाते हो वो भी जाती है, तो बोले मिक्सी लेके जाती है, मिक्सी साथ में लेके जाती है। तो ये मोबाइल ने तो इतना झूठ करवा दिया। एक बार हमने एक संत के मुख से सुना कि ट्रेन में कुछ लोग सफर कर रहे थे, तो उसमें एक छोटा बच्चा बैठा था 4-5 साल का, जब भी कोई स्टेशन आए तो बोलता पापा समोसा तो खरीद देते, पापा रसगुल्ला तो खरीद देते, पापा बलून तो खरीद देते। लोगों को लगा कि क्या प्रेम है पिता और बाप ने कहा चाहे कुछ भी हो जाओ अब नहीं मैं खरीदने वाला, तो कहा मैं बता दूंगा, अगर नहीं खरीदे तो बता दूंगा। उसने कहा बताना है तो बताओ लेकिन नहीं खरीदूंगा। तो लोगों ने पूछा कि आखिर क्या छुपा रहे थे जो बताने की धमकी दे रहा था। बोले कितने साल का है, बोले 4-5 साल का है। तो उन्होंने कहा ये 5 साल का नहीं 18 साल का बौना है, इसकी आधी टिकट मैंने खरीदी, ये तब से धमका रहा है कि अगर मिठाई नहीं खिलाओगे तो उम्र बता दूंगा, टीटी को उम्र बता दूंगा। अब आधा टिकट बचाने के चक्कर में 10 टिकट का पैसा खा चुका है, अब एक झूठ छुपाने के चक्कर में न जाने कितने टेंशन में आदमी आ जाता है। अगर किसी के लिए बोल दिया आपने झूठ और सामने वो आदमी आ गया बात करने लग रहा, कहीं पता तो नहीं चल गया, कहीं हमारे बारे में ही तो चर्चा नहीं हो रही है, बात कुछ नहीं इधर भी आ गई। इसलिए झूठ नहीं बोलने वालों का दिमाग तनाव में नहीं रहता, सच बोल दिए भूल गए कोई बात नहीं, झूठ बोल के याद रखना पड़ता है कि क्या बोले थे कहीं सच ना निकल जाए। जैसे कई जगह हम जाए और थकान इतनी है कि वहां से 1 घंटे बाद निकलना है और बताना नहीं किसी को, निकल गए आगे और बातचीत होते होते निकल गया मुंह से कि कल जब वहां हम रुके थे तो बोले आपने तो बताया ही नहीं, बोला था हम पहुंच गए। तो झूठ बोल के याद रखना बड़ा मुश्किल है और उसमें टेंशन बहुत होता है, इसलिए आजकल तनाव इतना ज्यादा है कि झूठ बहुत जाते हैं। सती जी ने झूठ बोला शिव जी से, गोस्वामी जी ने लिखा जलू पय सरी सभी का देखूं प्रीत कपट खटाई पर तपनी जल पय सरिस बिकाय, पानी भी दूध के भाव बिकता है। यदि दूध और पानी को मिला दिया जाए और अगर उसमें खटाई डाल दी जाए तो दोनों अलग हो जाता है और उस पानी का और उस दूध का भी कोई मोल नहीं। ठीक ये प्रीति की रीत है, प्रेम की रीत है कि जब हम मिले रहते हैं जुड़े रहते हैं और उसमें अगर कपट आ जाए छल आ जाए
फरेब आ जाए, झूठ आ जाए, अविश्वास आ जाए, तो दोनों अलग हो जाते हैं और वो कीमत फिर नहीं मिलती, वो भाव नहीं मिलता। भाव भी बड़ा अद्भुत शब्द है, कहते ना भाव के भूखे हैं भगवान। अरे भाव का मतलब ये कीमत, कहते नहीं सब्जी किस भाव से दिया, भाव का मतलब ही है कुछ उसका वजन, उसकी कीमत। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सती जी ने झूठ बोला, भोलेनाथ ने संकल्प ले लिया कि इस शरीर से सती जी से अब भेंट नहीं होगा और चले गए हिमालय तपस्या करने। कठिन तपस्या की, सती जी को भी एहसास हो गया कि मुझसे भूल हो गई है और प्रार्थना करती रही, तपस्या करती रही, इंतजार में लगी रही कि कब समाधि से भोलेनाथ बाहर आए। एही विधि दुखित ब्रजेश कुमारी आकथनीय दारुण रुख भारी। बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, सजी समाधि सहस सतासी, सतासी हजार वर्ष बीत गए। तजी समाधि संभो अविनाशी, अविनाशी शाश्वत भगवान भोलेनाथ ने समाधि का परित्याग किया। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम का स्मरण करने लगे। जान उसती जगतपति जागे, सती जी को यह अनुभूति हुई कि भोलेनाथ जगतपति अब जाग गए। चरणों में जाके वंदन किया, शिव जी ने सामने बैठने के लिए आसन दिया। फर्क समझना, अर्धांगनी है तो पाए बिठाएंगे, लेकिन संबंध टूटा हुआ है सामने बिठाया। अभी आगे की कथा में आप देखेंगे कि पार्वती जी को बाएं भाग में बिठाया, लेकिन यहां कहते सन्मुख शंकर आसन दिया, सामने आसन दिया। तभी एक विशेष स्थिति दिखाई दी, आकाश मार्ग से सारे देवता कहीं चले जा रहे थे। पूछा, हे महादेव ये सब कहां जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, देवी ये सब आपके पिता के घर हरिद्वार कनखल जा रहे हैं। तो क्या कोई खास बात है? हाँ, आपके पिता दक्ष एक महायज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में ये सब आमंत्रित है, तो हम नहीं चलेंगे, तो हमें निमंत्रण नहीं मिला, नहीं जाएंगे। तो बोले, पिता के घर से निमंत्रण आए या ना आए, चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा, नहीं, मित्र हो, पिता हो, संबंध अच्छे हैं तब तो जाना चाहिए बिना बुलाए, अगर संबंध बिगड़ा हुआ हो तो कभी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए।
इसलिए आप भी ना जाएं। लेकिन वो बोले कि नहीं नहीं आप भले ना जाओ, मुझे तो जाने दीजिए, बहनों से मिले हुए इतना दिन हो गया, माता से मिलना है, क्योंकि माताओं को अपने मायके के लिए बड़ा प्रेम होता है। इसलिए कभी भी आपको पत्नी के झगड़े से बचना है तो एक बात याद रखना, पत्नी के मायके वालों की निंदा कभी नहीं करना। अगर गलती से भी किया तो फंस गए, अगर लगता भी तो मन में रखना, सामने मत बोलिए। और हो भी क्यों ना प्रेम, आप अपने ही घर में हैं और वो अपना घर छोड़ के आ गई, तो वास्तव में घर तो वो था, ये हो गया, तो फिर अपना जो था उसकी याद तो आएगी। तो सती जी ने इच्छा व्यक्त की कि मैं जाऊं, शिव जी ने बहुत मना किया लेकिन वो मानी नहीं। आखिर इनको निमंत्रण क्यों नहीं मिला था? घटना ये घटी कि जब दक्ष को प्रजापति का पद दिया गया, तो जैसे ही किसी को कोई पद मिलता है, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, कुछ भी कोई पद मिलता है, तो उनके जो अपने लोग होते हैं लोकल, बाकी प्रदेश को कोई लेना देना नहीं, वो बैनर लगाएंगे, उनका हार्दिक स्वागत सूरत में, अपने अपने तरफ से बैनर लगाएंगे कि जब वो आए तो देखें किसने कितना लगवाया है, वो कितना करीबी है हमारा, वो अपने प्रॉफिट के लिए। और स्वागत में सब लोग इकट्ठा होते हैं, कौन कितने लोग लेके आया है, कौन कितने मोटी मोटी माला लेके आया, वो खास है। तो ऐसे ही देवताओं के बीच भी होता था, क्योंकि वही देवता लोग हैं आज, पहले 33 कोटी थे, आज बढ़ गए। तो जब वो दक्ष प्रजापति बने तो जुलूस निकाला गया, प्रदर्शन हुआ, भाषण हुआ, मेला लगा, लेकिन 33 कोटी में 32 कोटी 99,99,999 देवता उठ के खड़े हो गए, लेकिन भोलेनाथ खड़े नहीं, क्योंकि वो समाधि में थे। तो दक्ष को लगा कि मेरा ही जमाई, मेरा अपमान। जो दक्ष होते हैं कई बार नादानी कर देते हैं, दक्ष मतलब बुद्धिमान, अति बुद्धिवादी, बड़ा वाला इंटेलेक्चुअल, इतना बड़ा बुद्धिवादी हो जाए कि मानवता की भलाई किसमें है, संस्कृति की भलाई किसमें है, राष्ट्र की भलाई किसमें है, ये न समझ के केवल तथा कथित साम्यवाद होना चाहिए, सर्वधर्म समन्वय होना चाहिए। ये अति बुद्धिवादी है जिसके जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, ये बुद्धि का अजीर्ण हो गया है, विवेक गायब हो चुका है। इस देश में भी है बहुत ऐसे, ये जैसे ही आप अपने धर्म की बात करेंगे उनको जलन शुरू हो जाएगी। अरे बाकी अपने धर्म के कर रहे हैं तो आप नहीं जलते, दुनिया भर के जलसे और तकरीर होते हैं तो आप कभी नहीं बोलते, आप प्रश्न उठाते हिंदू सम्मेलन देश को बांटने के लिए हो रहा है। इस आदमी को बुद्धि का अजीर्ण है या कॉन्स्टिपेशन ऑफ माइंड, मेंटल कब्ज। तो इस टाइप के लोग होते हैं। अब दक्ष को लगा कि अपना ही जमाई नहीं उठा, अरे भाई जमाई तो दशम ग्रह है, दसवां ग्रह, नौ ग्रह से इतना हम डरते हैं, और ये तो कहा जाता है कि दशम ग्रह जमाता। देखिए मिथिला वाले बैठे वो ज्यादा जानते हैं कि मिथिला में जमाई जाए तो 1 महीने 2 महीने तो रहता ही है, भगवान भी गए थे मिथिला शादी करने तो महीनों रहे वहां। तो ये दसवां ग्रह है, इस उठ के प्रणाम नहीं किया क्या फर्क पड़ता, ससुर जी तो खुद उसके पैर धोते। लेकिन नाराज इसलिए ये बुद्धिवादी कि दामाद ने क्यों नहीं प्रणाम किया, उल्टा। ये जो बुद्धिवादी नाराज है कि दामाद प्रणाम क्यों नहीं कर रहे, अरे दामाद का तुम करोगे प्रणाम, वो थोड़े करेगा, वो भोलेनाथ है।
कहते हैं कि देवताओं का एक दिन दिन और रात मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर होता है। छह महीने की रात्रि और छह महीने का दिन देवता का एक दिन। और जब देवता हजारों साल हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक पल होता है, और ब्रह्मा जी चारों युग कई बार गुजार लेते हैं तो शिव जी का एक पल होता है। अब उस एक पल में कितने युग गुजर गए, कितने ब्रह्मा आए और गए, और उसमें कितने दक्ष बने और गए, और शिव जी को क्या पता। अब बोले कि प्रणाम नहीं किया, चींटियों का झुंड जा रहा था, फौज भी जाती है चींटी की। अब उसमें से एक चींटी बोलती है, अरे मैं चींटी रानी हूं, मैं हाथी, तूने मुझे प्रणाम नहीं किया, एक लात मारूंगा। अब चींटी के लात मारने से हाथी को क्या होता है। शिव जी ने प्रणाम नहीं किया, दक्ष नाराज हो गए और बदला लेने के लिए यज्ञ किया कि सभी देवताओं को बुलाऊंगा लेकिन इससे नहीं बुलाऊंगा। और इसी में लफड़ा शुरू हुआ। एक ने आपकी प्रशंसा नहीं की, आप दुखी हो गए। संसार में हर चीज हर व्यक्ति को नहीं मिलती है। संसार का मतलब ही है अधूरा। पूरा ही हो जाता तो ये मरणशील संसार क्यों रहता। जहां पूर्ण है ही नहीं कुछ, उसी पूर्णता को पाने के लिए तो साधना है, उसी अपनी अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए तो आध्यात्मिक यात्रा है। बाकी तो यहां सब अपूर्ण है, सब नाशवान है और सब टूटने वाला है। जिससे भी हम मोह लगाए सब टूटने वाला है, और हर अरमान यहां पूरे होते हैं। तो जो है उसमें तालमेल बिठाना चाहिए खुशी के लिए, जो है उसमें आप एडजस्ट करके चलो तभी खुश रह सकते हैं। तो एक ने प्रशंसा नहीं की, अरे 99 ने तो की। जो अति बुद्धिवादी होते हैं वो भविष्य की चिंता करते हैं और भूत के दुखद घटनाओं को याद करके दुखी रहते हैं, वर्तमान का लाभ कभी नहीं उठा पाते। और बुद्धिमान विवेकशील वर्तमान में जीते हैं, भविष्य देखा जाएगा, भूत तो बीत चुका। इसलिए तो किसी ने कहा पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज हिस्ट्री बट प्रेजेंट इज गिफ्ट। कि जो बीत गया वो इतिहास हो गया, आने वाला भी रहस्य है, पता नहीं क्या होगा। और जो है हाथ में प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट भी और प्रेजेंट भी, तो गिफ्ट है आपके लिए। तो इसका सदुपयोग करिए अभी का। और ये वर्तमान हम ये मान के चलते हैं कि आने वाला कल भविष्य है और बीता हुआ कल भूत था, लेकिन ये भी बड़ी नादानी होगी। आने वाला कल भविष्य नहीं है। आप कहेंगे ये कैसी बात है, आने वाला कल भविष्य नहीं, आने वाला पल भविष्य है। बीता हुआ कल भूत नहीं, बीता हुआ पल भूत है। हम पूरे दिन को वर्तमान मान लेते हैं, कहां पूरे दिन को वर्तमान मानते हैं ना कि आज का दिन। हाथ में जितना पल है, जितना क्षण है, जो मोमेंट है, वो वर्तमान है। अभी आने वाला पल भी आपके लिए भविष्य ही है, वो मिस्ट्री ही है क्या लेके आएगा। और जो बीत गया पल वो भूत हो चुका है। तो एक घर में एक सेठ जी आए, महात्मा जी आए सेठ जी के। गुरुजी जब पहुंचे सेठानी जी बहुत खुश थी, जैसे लोग खुश है। पूछा गुरुजी ने कि और घर में सब ठीक है, बोले एकदम सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिजनेस ठीक चल रहा है, बोले हाँ 50 लाख का फायदा हुआ है इस महीने। बोले अच्छी बात है 50 लाख का हुआ तो। तब तक पति देव मुंह लटकाए हुए, बोले क्या बात है। बोले क्या बताऊं गुरुदेव, बड़ा मंदा चल रहा है कोरोना के बाद से, अभी तक पटरी पे गाड़ी आई नहीं। क्या हुआ, बोले 30 लाख का घाटा हुआ है। पत्नी का बिजनेस आपका बिजनेस अलग अलग है, बोले नहीं एक ही। तो वो तो बोल रही 50 लाख का फायदा हुआ, मैंने सोचा था 80 लाख का होगा, सिर्फ 50 लाख का फायदा हुआ, 30 लाख का घाटा हो गया ना। मैंने सोचा था कि 80 लाख का होगा, अब मैंने सोचा था
सौ करोड़ का हो, एक ही करोड़ फायदा हुआ, सोच लिए उनका पैसा चला गया, आया नहीं तो ये बुद्धिमान लोग टेंशन में रहते हैं, बहुत काम है, बहुत टेंशन है, क्यों सोचा था इतना होगा नहीं होगा, अरे जो हो जाए वो आपका है, केवल सोचने वाला आपका कैसे, ऐसे तो कोई भिखारी भी सोच ले मैंने सोचा था मैं बहुत बड़ा राजा बन गया इसलिए रो रहा हूं नहीं बन पाया, सोच लो। तो बुद्धिमान आदमी दुखी रहता है, इसी तरह से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सती जी नहीं मानी शिव जी के लाख समझाने के बाद भी, यज्ञ में गई, बहुत सुंदर दिव्य यज्ञ हो रहा था, हजारों साधु संत ऋषि मुनि पधारे थे, लेकिन सती जी जब गई वहां, सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख संभु कर भागा, कहीं भी शिव जी के स्थान नहीं था, ये देख के दुखी हुई और सभा में लोगों को कहा, सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन संकर निंदा, हे सभा सद हे मुनियो सुनिए, जिसने भी शिव जी की निंदा कही या सुनी हो, सो फल तुरंत लहब सब का हो, भली भांति पछताव पिता हो, वो तो भली प्रकार पिताजी मेरे पछताएंगे, और कहा जाता है कि वहीं पे उन्होंने प्राण त्याग दिया। कथा अलग अलग हो जाती है कि कोई कहते हैं कि वहीं योगाग्नि में भस्म हो गए, लेकिन पुराणों की कथा तो ये कहती है कि भगवान शिव जी आए और उनके शव को लेकर भ्रमण करते रहे, नारायण ने चक्र से एक एक अंग को काटा और जहां जहां वंग गिरे वहीं शक्ति पीठों की स्थापना हुई। सती जी यज्ञ में ध्वस्त हो गई, कथा बड़ी है, लड़ाई हुई, वीरभद्र आए यज्ञ को ध्वंस कर दिया, शिवपुराण में बड़ी कथा है, यहां केवल संकेत किया जा रहा है कि सती जी ने शरीर का त्याग किया और शरीर छोड़ने के पश्चात फिर नए जन्म की तैयारी आ गई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान जय। हमारे घनश्याम सोनी जी कथा में पधारे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वर्ग और नरक क्या है? गरुड़ पुराण अगर पढ़े, हम अपने हम इशारे में काम कर लीजिए, सामने बैठे हुए आदमी बात न करे तो ही अच्छा, क्योंकि आप ही लोगों को बोल रहे हैं, आपके दो आदमी हैं कार्यकर्ताओं को। गरुड़ पुराण में वर्णन है क्या कर्म करे तो कौन सा नरक मिलता है, क्या सा शुभ कर्म करें तो कौन सा स्वर्ग मिलता है, अभी पूरी उसकी व्याख्या हम नहीं करने जा रहे, सिर्फ एक संकेत समझ लें कि अगले जन्म में आप क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए हम आपको मंत्र दे दें, क्या बनना चाहते हैं। हाँ, आप लोग सबसे पूछ रहे हैं, आदमी बनेंगे या मुक्त होंगे, क्या चाहिए, यही वाला शरीर चाहिए, इतनी आसक्ति, ये तो राजा त्रिशंकु की तरह है, जो आखिरी में हमारी स्मृति होती है, हमारा चित्त जिन वस्तुओं में आशक्त होता है, लिप्त रहता है, लगा रहता है, आबद्ध रहता है, उसी में मजबूरी में जन्म होता है। इसलिए कहते हैं कि अंत में कम से कम भगवान का नाम लो, ताकि वो अलग गति कर दे। अगर विकृतियों में मन लगा रहे, आशक्त रहे, भयावह चीजों में लगा रहे तो प्रेत योनि मिल जाएंगे, भूत प्रेत पिशाच बन जाएंगे, बहुत ऐसी सारी घटनाएं आजकल मिल रही है जिनको पिछले जन्म का याद है। एक तो वीडियो देख रहे थे हरियाणा में, एक लड़का उसने कहा ट्रैक्टर से गिर के मर गए, 13 साल तक भूत बन के प्रेत पर थे, अब जन्म हुआ है, बोले 5 से 3 दिल्ली के लिए,
तो जन्म लेना हमारे आखिरी चिंतन पे निर्भर है। और इसे व्यवहारिक रूप से समझने के लिए कि एक दिन एक एक जिंदगी है। रात को हम सोते हैं तो मान ले कि मर गए, हम माने या ना माने मर ही जाते हैं, जब होश ही नहीं है तो मर ही गए। तो रात को जब जो सोच कर हम सोते हैं, जो सुन के सोते हैं, गाना भजन डिस्को डांस लड़ाई झगड़े तकरार निंदा ईर्ष्या जो भी सोच के सोते हैं, कुछ स्वाध्याय कुछ महापुरुषों की जीवनी कुछ सत्संग कुछ कुछ भी जो सुन के सोते हैं, सुबह दिमाग वहीं से शुरू होता है, सुबह उठती वही फिल्म चलती है और हमारे क्रियाकलाप वैसे ही होने लगते हैं। अगर प्रातः ठीक करना है तो रात्रि ठीक करिए, संध्या ठीक कर लिखते रूटीन ठीक नहीं होता, रोज प्लानिंग बनाते हैं बिगड़ रात ठीक कर लीजिए अगले दिन से ठीक होगा, अगले दिन से आप कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। आप शाम ठीक करिए तो अगली सुबह ठीक होगी, और शाम को तो लेट नाइट पार्टी चलती है तो सुबह कैसे ठीक। वैसे ही अगर बुढ़ापा ठीक हो जाए तो अगला जन्म ठीक हो जाएगा, और अगर जवानी ठीक हो तो बुढ़ापा ठीक होगा। जवानी ने इतनी आदत खराब कर ली और मोह हटता नहीं कि हम जवान से बूढ़ा हो चुके हैं, जवानी की मेंटलिटी लिए है, बाल रंग रहे हैं, किसी तरह घसीट रहे हैं जिंदगी। अरे अब भजन तो करो कम से कम, बोले ने अभी तो जवान है बूढ़े होंगे तो कर लेंगे, और तब तक खिसक गए तो कहीं भूत प्रेत बन के जन्म ले लिया। एक भगवान बुद्ध का शिष्य था, बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षु, भिक्षाटन के लिए जाता, नियम यह था जो मिले ले लीजिए। तो एक रेशम का शॉल किसी ने दे दिया, लेकिन वो शॉल इतना सुंदर था कि बौद्ध भिक्षु उसे गले से चिपकाए रखता, कहीं भी जाता किसी को नहीं देता, और उस बौद्ध भिक्षु की मृत्यु हो गई, मर गया। तो नियम यह था कि बौद्ध भिक्षु के सामान को दूसरे बौद्ध भिक्षुओं में बांट दिया जाए। भगवान बुद्ध ने सारे सामान तो बंटवा दिए, वो शॉल रखवा लिया, तो किसी भिक्षु ने कहा कि तथागत ये आपको पसंद है क्या? बोले नहीं, एक घंटे के बाद ये बांटा जाएगा। एक घंटे में क्या हो जाएगा? एक घंटे के बाद भगवान बुद्ध ने उस शॉल को खुलवाया, बोले देखो इसमें कोई कीड़ा है। तो एक कीड़ा होता है चीलड़, आप लोग जानते होंगे, तो एक कीड़ा उसमें लगा हुआ था चील, जो एक घंटे की जिंदगी उसकी होती है, मर गया था। भगवान बुद्ध ने कहा था, कहा हे भृते ये मेरा बौद्ध भिक्षु है, ये जो कीड़ा है मेरा बौद्ध भिक्षु है, साल से इतनी आसक्ति हो गई कि एक जन्म कीड़ा बन के जन्म ना पड़ा, इसलिए आसक्त उपयोग करिए सामानों का, उपभोग करिए, कोई दिक्कत आशक्त मत होइए, उसमें लिप्त मत होइए, नहीं तो वही हो जाएगा। तो सती जी ने शरीर आखिरी समय भगवान से ही प्रार्थना की, हे नारायण इस जन्म ने तो मैंने अपराध किया, भगवान भोलेनाथ से झूठ बोला, विश्वास नहीं किया, अब ये गलती नहीं होगी कि मुझे फिर से जन्म दीजिए और उन्हीं के अर्धांगिनी के रूप में दीजिए। तो आखिरी भाव ये होने के कारण उनका पार्वती जी के रूप में जन्म हुआ। सती मरत हरि सन परमा का, बनी तन पाई
सती जी मरते समय यही प्रार्थना करती है कि जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव जी के चरणों में अनुराग रहे, और जब से पार्वती जी के रूप में उनका जन्म हुआ सकल सिद्धि संपत्ति छाई। हिमाचल में सिद्धि संपत्ति छा गई, मणियों की खाने प्रकट होने लगी, साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी वहां आने लगे, सबकी सेवा होने लगी। जह तह मुनिन सुआश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीन्हे, उनके रहने के लिए उचित व्यवस्था हिमाचल ने किया। नारद जी को खबर लगी कि जगदम्बा भवानी मैया दुर्गा पार्वती जी के रूप में जन्म लेके आए, तो चल के हाल चाल ले ले। नारद सभा चारे सब पाए, नारद सभा शैल राज बड़ा आदर कीना, हिमाचल लाए, सिंहासन पर बिठाए, चरण पखारे, आचमन किया, उनका पूजन किया। और हमारे यहाँ एक भाव है, श्रद्धा है संतों के प्रति, लेकिन इसमें दृष्टि कुछ और भी है कि बाबा आए तो भविष्य को जरूर दिखा ले। कोई संत आ जाए या तो हस्तरेखा या कुंडली, ये तो अन्ना कुछ तो बाबा कुछ कपार देखते हैं, कुछ भविष्य बताएंगे, न बताए तो बाबा के साथ फेल बाबा। नारद मुनि आए, पार्वती जी को लाके बिठा दिया, हाथ बढ़ा दिया। नारद मुनि से बड़ा बाबा कौन होगा? बोले बाबा भाग्य देखिए बेटी का क्या लिखा है। बोले आहा उत्तम भाग्य, उमा अंबिका जगदम्बा भवानी शैलजा शैलपुत्री पार्वती सब इसके नाम हैं, और जो भी स्त्री इसका पूजन करेगी उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन इसके भाग्य में दोष है। बोले क्या दोष है? इसका पति शमशान में रहने वाला होगा, उसका कुल खानदान का पता नहीं होगा, कोई बिजनेस व्यापार नहीं। अच्छा, मतलब एकदम किसी कुल का नहीं होगा तो होगा कैसे? बोले ऐसे ही होगा। अब रोने लगे दोनों,
कि बाबा कुछ तो उपाय बताइए कि ये भाग्य का दुर्भाग्य टल जाए। तो नारद मुनि ने एकदम कह दिया कि ना असंभव। कह मुनि सही मंत सुनो, जो विधि लिखा मिला देव तनुज नर कह मुनि हिमवंत सुनो। हे हिमाचल, मुनि ने कहा, विधाता ने कपाट पे जो लिख दिया, देव धनुज नर नाग मुनि कोई मिटाने वाला नहीं। तो बोले फिर संतों की कृपा का क्या मतलब, जब भाग्य नहीं लिखा है और कोई मिटा ही नहीं सकता। हमने तो सुना कि संत मिटा सकते हैं। नारद जी ने इशारा किया मिटा तो सकते हैं, तो या तो अपनी तपस्या खर्च करें या आप ही कर लो तपस्या। संत अपने तपस्या से आपके भाग्य को बदल सकता है, अथवा आप स्वयं तपस्या करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यहां पहले इस दोहा से लगता है कि गोस्वामी जी प्रबल भाग्यवादी है, लेकिन आगे तुरंत कहते हैं, जो तप करे कुमारी तुम्हारी भवयो मेट सकहिं त्रिपुरारी। यदि आपकी कन्या तपस्या करे तो भाग्य भगवान बदल सकते हैं, क्योंकि तप से ही, यद्यपि वर अनेक जग माही यही कह शिव तजी दूसर नाही। यूं तो वर बहुत है, इसके लिए शिव छोड़कर दूसरा नहीं। और तप से विधाता सृष्टि की रचना करते हैं, तप बल रची प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करही संहारा, तप बल शेष धरही महिभारा। धीरे से इशारा किया, तप आधार सब सृष्टि भवानी। हे भवानी, सारी सृष्टि का आधार तो तप ही है, इसलिए आप जाइए और तप करिए। तो भवानी मैया भी समझ गई, लेकिन सोचने लगी कि अब क्या करें, कोई मुझे बोले कि जाओ तप करने में तो छोटी होती। और ये पति पत्नी दुखी है कि अब कौन पार्वती को कहे कि जाओ तप करने, छोटी है। कहा, अब जो तुम्हारी सीता पर नहीं हो तब असजाई सिखावन दियो। हिमांचल कहते, बेटी से इतना प्रेम है तो जाके सिखाइए कि तपस्या करने जाए, और वो डर से जाती नहीं और बेटी अलग संकोच कर रहे। लेकिन उन्होंने एक विचार किया कि माता पिता परेशान है, मैं ही उपाय निकालती हूं, और जाकर कहा, सुनही मात मैं दीखे असा सपन सुना तो सुंदर गौर सुवी पर प्रातः काल उठी, उठकर गई, बोली मैया मैंने एक स्वप्न देखा। सपने में देखा सुंदर गौर ब्राह्मण आए थे और उन्होंने मुझसे कहा, पार्वती यदि तू तपस्या करे तो शिव जी पति के रूप में मिलेंगे, तो माँ मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं तपस्या करने जाऊं। अब माँ तो पहले से ही सोच रही थी कि किसी तरह ये तैयार हो तपस्या के लिए। दौड़ के गई कि भगवान ने हमारी सुन ली, पार्वती जी ने सपना देख लिया है, वो तपस्या के लिए जा रही है। दोनों माता पिता वन में ले जाके छोड़ के आ गए। कठिन तपस्या पार्वती मैया ने भोलेनाथ के लिए किया। सृष्टि में कोई भी पति प्राप्ति के लिए इतनी कठिन तपस्या किसी ने नहीं की। तपस्याएं बहुत हुई, लेकिन पति की प्राप्ति के लिए इतनी कठिन तपस्या, गोस्वामी जी ने वर्णन किया। नित नव चरण उपज अनुराग उसरी दे हत पही बनुला। नित नव चरण उपज अनुराग उसरी दे हत प
चरण उपज अनुरागा बिसरी देह तपहि मनुरागा नित नूतन नवीन नए भाव आ रहे हैं। पार्वती जी की तपस्या और कठिन होती जा रही, हजारों साल पत्ते खा के रही, हजारों साल हवा का आहार लिया। ये तपस्या देखकर ब्रह्मा जी का हृदय भी त्रमित हो, देख उमई तप खीन शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। ब्रह्मा जी की आवाज भी रुधिर हो गई और आकाशवाणी हुई, हे पार्वती जो मनोरथ है वो पूरा होगा। उमा चरित सुंदर मय गावा, सुनहु संभु कर चरित सुहावा। याकुल कृषि भारद्वाज जी को ये कथा सुना रहे, कहा कि पार्वती जी का यह चरित्र मैंने सुनाया। सती जी के शरीर छोड़ने के पश्चात शिव जी का क्या हुआ, वो किधर चले गए? तो कहा शिव जी कठिन तपस्या में लीन हो गए, ध्यान मग्न रहे। ये उस समय की घटना है जब तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ। बड़ा विचित्र नाम है, राक्षस है तो नाम होना चाहिए मारकासुर। तारक मतलब मुक्त करने वाला, तारने वाला, लेकिन इसका नाम है तारकासुर। तारकासुर ने कठिन तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए
और उससे वरदान मांगने के लिए कहा तो तारकासुर ने कहा, हे पितामह, वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं, मैं मरूं ही नहीं, जैसे आपने कहा ना यही शरीर मिले। तो बोले कि शरीर क्या मिले, मरूं ही नहीं। बोले ये तो संभव नहीं, शरीर तो नष्ट होगा ही, मृत्यु लोक है। तो उसने उपाय सोचा कि शिव जी की पत्नी मर गई सती जी, और शिव जी दूसरे से विवाह कर सकते नहीं दोबारा, और खुद ध्यान समाधि में लगे हुए हैं, तो क्यों ना ऐसा वरदान मांग लूं जो पूरा ही ये फंस जाए ब्रह्मा जी। तो बोले कि हे ब्रह्मा जी, वरदान दीजिए कि शिव जी का पुत्र ही मेरा वध करे, मैं मरूं तो भोलेनाथ के बेटे के हाथ से ही मरूं। और आशीर्वाद मिल गया। तारकासुर ने आतंक मचाना शुरू किया और उसके जितने असुर हैं वो सब घूम घूम के लोगों को सताने लगे, मेरे मालिक तो अमर है। तो भगवान नारायण आए भोलेनाथ के पास और कहा कि हे महादेव, सती जी का पुनर्जन्म हो चुका है, कठिन तपस्या उन्होंने की है, और आप विवाह के लिए राजी हो जाना। अब ये नहीं कहना मैं तो भोलेनाथ भूतनाथ एक हो गया सो हो गया, आप दूसरा नहीं, आप राजी हो जाना, क्योंकि आपके बेटे के हाथ से ये मरेगा नहीं तो सारे देवता मारे जाएंगे। आपको देवताओं का कल्याण करना है, और आपकी सती जी भवानी जगदम्बा फिर से आ गई है। तो कहा, सिर धरी आए सुकरिये तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे नारायण, भोलेनाथ कहते कि आपके आदेश का पालन मैं सिर पे रख के करूंगा। तो नारायण ने कहा, नहीं, सिर पे मत रखिएगा, क्योंकि आपके सिर से गंगा जी बहती है, कहीं बह के गंगा सागर पहुंच जाए तो। कह प्रभु हमा हर तुम्हार पन रहूं, अब उर राख मुझे हम कहूं, कि मैंने जो कहा वो हृदय में रखिए, सिर में मत रखिए। सप्तर यहां भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को भेजा पार्वती जी को देखने के लिए, जांचने के लिए कि क्या तपस्या हो। ऋषि गौरी देखी तह कैसी मूर्तिवंत तपस्या जैसी, जैसे साक्षात तपस्या पार्वती जी ऐसी दिखाई पड़ी, और जाकर ये लोग उनसे जांच करने लगे, कहने लगे कि ये तपस्या क्यों कर रहे हो, जैसे आप कोई काम करें और थोड़ा नया जैसा हो तो लोग पूछते क्यों कर रहे हो, क्या फायदा है, कोई तो करता नहीं। सप्तऋषियों ने पूछा पार्वती जी से, बड़ा बोले बड़े कि ये तपस्या क्यों, तो बोले आप बताऊंगी तो आप हंसेंगे, शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या है। बोले पागल हो गए, एक तो उनका कोई घर द्वार नहीं, शमशान में रहने वाले, एक पत्नी यज्ञ में मर गई, एक पत्नी यज्ञ में जल के मर गई, उसका घर का ठिकाना नहीं, कुल खानदान का ठिकाना नहीं, और उसके लिए तपस्या कर रही हो, किसने कहा है तपस्या करने के लिए, तो कहा मेरे गुरुदेव ने कहा है। बोले गुरुदेव कुछ भी बोल दे और मान लोगी, तो पार्वती जी ने कहा दुनिया में कोई भी और कुछ भी कह दे नहीं मानूंगी, अगर गुरुदेव ने कह दिया है तो चाहे जो कुछ भी हो उसे मान लो। बोले ऐसा क्यों, तो अनुभवी हमारे ऋषि मुनि संत ये कहते हैं कि गुरु के वचन पर तीत न जेहि सपने सुख से भी सुलभ न दे। गुरु के वचनों में जिसको भरोसा नहीं उसके लिए सुख और सिद्धि सपने में भी नहीं मिल सकता, सचमुच का तो छोड़ दी, सपने में भी सिद्धि उससे नहीं मिल सकती, और सुख सपना भी आएगा तो भयानक ही आएगा। भारतीय संस्कृति में गुरु महिमा अपार है, गुरु को हम ब्रह्मा और विष्णु महेश मानते हैं, हमारे सभी देवताओं से पहले गुरु की ही पूजा होती है। कथा बड़ी है इसलिए बहुत महिमा नहीं बताएंगे,
बस गुरुदेव का ध्यान करके एक भजन गा लीजिए। हम लौह खंड ही हैं, हम लौह खंड ही हैं, पारस हमें चुना दो, हम लौह खंड ही हैं, पारस हमें चुना दो, हम लौह खंड ही हैं, है आप जीत पारस तो ना कलश छलक कर, अमृत कलश छलक कर, अमृत हमें पिला दो, हम लौह खंड ही हैं, पारस हमें चुना दो, हम लौह खंड ही Thank you.
नाम बन गई है, पारस हमें जुला दो, हम नाम बन गई है। अमृत कलश झलक कर, अमृत हमें पिला दो, हम लाहन बनते ही है, पारस हमें झुला दो, हम लाहन बनते ही है, हम लाहन बनते ही है, हम लाहन बनते ही है, हम लाह कंड ही है, पारस हमें छिला दो। गुरु के वचन पर तीत नजे ही सपने हो सुख सिद्धि सुलभ लगे। कहते गुरु गीता में जो प्रसंग का वर्णन है, पार्वती जी भोलेनाथ से पूछती है, 33 कोटि देवता है, किसकी पूजा करें। राम कथा आपने सुनाई तो राम जी की महिमा बता दी, भागवत कथा सुनाई तो कृष्ण जी की महिमा बता दी, और सब आपका ही बताया हुआ है तो किसको पूछे। तो उन्होंने कहा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरु। तो पूछा कौन है गुरु, तो कहते हैं ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम चलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। जो सभी विकारों से ऊपर है, त्रिगुणातीत है, संत है, वही गुरु है और वही ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो बोले समझ लिया, लेकिन पूजा किसकी करें। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, बड़ी गुप्त विद्या आपको बता दी, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम ध्यान मूलम गुरुर मूर्तिम पूजा मूलम गुरु पदम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलने लगे सप्तऋषि पार्वती जी को कि भोलेनाथ तो सुंदर नहीं है, मेकअप ठीक नहीं है, इनसे सुंदर हम आपको लाए, विष्णु भगवान से शादी करवा दें अगर राजी हो जाए।
आजकल तो एक दो वीडियो हमने देख लिया, प्रेम करते हैं लड़के लड़की, प्रेम कर रहे हैं। अभी दूसरा आया, पैसा वहां गिरा दिया, अब उसके साथ चले। ये प्रेम बाहर प्रेम, सिर्फ संकेत किया ये जा रहा है कि बहुत समझाया पार्वती जी को कि उनसे सुंदर हम दूल्हा दिखवा, वहां भी दूसरा सुंदर दिखा वो अच्छे प्रेम, यहां कितना भी सुंदर दिखाया, बार बार सप्तऋषियों ने कहा कि त्रिलोकीनाथ से करवा दे, क्या दिक्कत है आपको, आप बैकुंठ में रहना या शमशान में रहना पड़ेगा। संसारी लोग ये देखते हैं लड़का सुंदर हो, पैसे वाला हो, अच्छा घर हो, गाड़ी हो, बड़े पोस्ट पे हो, तो सब दिखा दिया। त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोगों के स्वामी है, बैकुंठ में रहते हैं, कमी है नहीं कुछ, सुंदर है। तो पार्वती जी ने क्या कहा, महादेव अवरुण विष्णु सकल गुण धा जेहि कर मनो भ्रम जाइ तेहि तेहि शरण। बोले भले ही मेरे महादेव अवगुणों के भंडार है, बहुत कमी है, और विष्णु भगवान सकल गुणों के खान है, लेकिन जिसका जिसका प्रेम हो उसी से मतलब है। कहते हैं कि लैला कोई सुंदर नहीं थी, लेकिन मजनू मर रहा था लैला के लिए। तो जिससे गोस्वामी जी लिखते हैं कि जहिकर मनु रम जाई, जहां मन लगे उसको उसी से काम है। भले महादेव मेरे सुंदर नहीं, लेकिन विष्णु भगवान नहीं। और एक जन्म की बात छोड़ी है, जन्म कोटि लगी रहर हमारी, छोड़ के दूसरे का वरण नहीं कर सकती, भले कुआरी रह जाओ, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो भोलेनाथ दूसरो न कोई। और हमारी भक्ति कैसी है, मेरे तो दूसरो गिरधर गोपाल और दूसरो सब कोई, न इधर न उधर, कहीं नहीं। कहते हैं कि एक जगह एक हिंदू एक मुस्लिम एक ईसाई पकड़े गए, शैतान पीटने लगा। ईसाई ने जीसस को बुलाया बचा के ले गए, मुस्लिम ने अल्लाह को बुलाया बचा के ले गए, हिंदू बहुत मार खाया। जब मार खा लिया तो अपने देवताओं के पास पहुंचा, भोलेनाथ से पूछा, बाबा इतना याद किया आप आए नहीं। बोले बेटे मैं जब तक बैल पे बैठता तब तक तुमने जगदम्बा भवानी को याद, तो मैंने सोचा पत्नी जा रही है मैं क्या करूं। बोला आप क्यों नहीं आए। बोले मैं जैसे शेर पे सवार हुई तुमने गणपति को याद कर लिया, मैंने सोचा बेटा जा रहा मैं क्या करूं। आप क्यों नहीं आए। मैं जैसे चूहे पे सवार हुआ तूने कार्तिकेय को याद कर लिया, भैया जा रहे मैं क्या करूं। आप क्यों नहीं आए। बोले मैं जैसे ही मोर पर बैठा तुमने जय श्री राम बोला, मैं सोचा भगवान नारायण जा रहे मैं क्या करूं। प्रभु से पूछा आप क्यों नहीं आए।
बोले जैसे ही मैंने धनुष बाण चढ़ाया तूने जय हनुमान बोल दिया। मैंने कहा मेरा चेला जा रहा, मैं क्या कर गया। बोले इतने मार खाते रहे। तो ये भी वो भी सब है, लेकिन एक को इष्ट तो होना चाहिए। आज तक अधिकतर हिंदुओं के इष्ट ही नहीं, ये सच्चाई है। सब भक्त हैं, सभी मंदिरों में जाएंगे और अपने को बड़े बुद्धिवादी इंटेलेक्चुअल मानेंगे। हम तो सबको मानते हैं। एक बार एक महात्मा गए एक गांव में। तो जब संत किसी घर में जाते हैं तो अधिकतर भक्तों की आदत होती है कि अपना पूजा रूम दिखाते हैं। पहले तो जिद करके सब कमरे में ले जाएंगे कि यहां भी पैर रख लीजिए, यहां भी रख, अरे आ गए घर में, हो गया। लेकिन नहीं, पूजा घर दिखाएंगे और निकलने के बाद जरूर पूछेंगे कैसा लगा, मेरा पूजा घर ठीक है ना, कोई ग्रह नक्षत्र वास्तु दोष कुछ तो है नहीं, ठीक है सब, हाँ भाई ठीक है। तो वैसे ही संत गए, पूजा घर दिखाया, निकलने के बाद पूछा बाबा सब ठीक तो है घर में, बोले हाँ ठीक है। और वहां कम से कम 50 देवता रखे थे, रखे भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं तो सब में मानता हूं, क्या एक को मानना। तो बाबा थे बड़े तर्कवादी, अब उनसे रहा नहीं। बोले कब तक हाथ में माला लिए खड़े रहोगे, किसी के गले में डालोगे। कि कोई कन्या कहे कि मैं तो सबको पति मानती हूं पूरे गांव को, क्या एक को मानना, ये उचित है। अगर कोई एक पति है तो बचाने कोई उसका मित्र भी आ जाएगा, वो न भी रहे तो। और जो बोले कि मैं तो सबको मान, तो कोई नहीं आएगा बचाने, मार खाते। ठीक वैसे ही 33 कोटि देवता हो भले ही, लेकिन कोई एक तो अपना हो कि उसके नाम पे ही बाकी आ जाएंगे कि उनका भक्त है भाई ना, वो अभी नहीं है, चल के देख लो, नहीं तो आके वो शिकायत करेंगे। तो पार्वती जी कहती है कि करोड़ों जन्म लग जाए लेकिन शिव जी को छोड़ के दूसरे का वरण नहीं कर सकती। कहा सप्तऋषियों ने तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात्र, आप स्वयं माया है और भोलेनाथ और आप सारे जगत के माता पिता है। लेकिन इधर समस्या ये है कि भोलेनाथ अभी शादी के लिए राजी नहीं हुए, ऐसा लग रहा देवताओं का। तो वो लोग कामदेव को उनको प्रभावित करने के लिए भेजते हैं। जो ऋषि हो, जो मुनि हो, तपस्वी हो, त्यागी हो, संसार के काम कराने के लिए कामना उत्पन्न करनी पड़ती है। काम मतलब इच्छा, डिजायर, कुछ भी जो गिफ्ट आप देते हैं ना, कोई ऑफिसर है काम नहीं कर रहा तो काम उत्पन्न करो, कुछ एक पॉकेट पकड़ाओ, कामना उनकी जगाए, पहले एटमोस्फेयर बनाए। ये जो एटमोस्फेयर है इनका, रतन बाबू का अयोध्या धाम एटमोस्फेयर, जहां ये कथा हो रही है। तो अब भोलेनाथ के लिए एटमोस्फेयर बना रहे। अब सप्तऋषि परेशान है कि कामना तो है नहीं शिव जी में, तो कैसे होगा। कामदेव को भेजा। पहले के जमाने में हर बात में कामदेव को भेजते थे। कामदेव पहुंचा सेना लेकर। उनके सेना में कौन, रंभा, उर्वशी, मेनका, गीत वाद्य वृंद, शीतल मंद सुगंधित बयार बहने लगी। तब आपने प्रभाव सकल सोती से तू
मानसरोवर वहां भेज दिया और काम का प्रभाव पूरी सृष्टि पर हुआ। बाबा जी ने वर्णन किया, भय राम बस जोगी तापस पावरन की पोकै, देखन चराचर आदि मैं ब्रह्म मैं देखत रहे। भय राम बस जोगी तापस पावरन की पोकै, देखन चराचर आदि भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे। साधारण मनुष्य की कौन कहे, योगी मुनि तपस्वी भी कामना ग्रस्त हो गए। अब लाभ लोक ही पुरुष में जग पुरुष सब अबला में, पूरे संसार में काम का प्रभाव हुआ। ये देखकर गोस्वामी जी घबरा गए, लिखते लिखते कि जब पूरी सृष्टि में काम का प्रभाव हो गया तो राम का प्रभाव कहां गया, क्योंकि वो तो कण कण में व्याप्त है, हर जगह राम है, तो फिर काम किधर है। और पूरी सृष्टि में काम है तो राम की धन है। फिर उन्होंने लिखा, धरी न काहूही सबके मन मन से जहरे, जे राखे रघुवीर जब काम का प्रभाव हुआ तो किसी को धीरज नहीं है, सब काम के बस हो गए। ईश्वर की कृपा हो, ईश्वर बचाना चाहे तभी बच सकते हैं, अन्यथा राजा नहुस हो। राजा नहुस बहुत बड़े सूर्य वंश के राजा हुए। राजा ययाति के पिता थे, उनकी तपस्या और प्रताप के कारण इंद्र का पद दे दिया गया। लेकिन धरी न काहू धीर, इंद्र का पद पाते ही इंद्राणी से विवाह का प्रस्ताव दे दिया। पुण्य क्षय हुआ और इंद्र पद से हटा दिया गया। बड़े बड़े दिग्गज, क्योंकि सब माया है प्रभु की, वही चाहे तो रखे या बिगाड़े। तो तुलसीदास जी बड़े परेशान हुए कि हम तो मानते हैं कणकण में राम है, तो फिर किधर से आया ये काम है। जब काम ने ही प्रभाव डाल लिया तो राम कहां चले गए, आधी ही लिख के छोड़ दी। कहते हनुमान जी ने आगे का पूरा किया, लिखा धरी न काहो धीर सबके मन मन से जले। तो हनुमान जी ने पूरा किया, जे राखे रघुवीर देव रेते ही काल, उसकी मर्जी थी तो उसे बचा लिया। कहते चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना होए। तो बेटे ने कहा कि चलती चाकी देख के दिया कमाल ठठाए, जो किले से लगा रहे वो साबुत बच जाए। जब चक्की चलती है तो बात भी थी कि कोई नहीं बच जाता, लेकिन वो भी कह रहा किले में जो चिपका रहेगा, किला परमात्मा है। इस माया के संसार में अगर किले से लगे रहे तो बच जाएंगे, अन्यथा पिसते देर नहीं देंगे। ये माया कभी भी पकड़ के पीस देगी। जो ज्यादा बुद्धिमान बनते हैं, अधिक चालाकी करते हैं, किले से छटक के बीच में आ जाते हैं और उनके ऊपर पत्थर चढ़ जाता है। इसलिए सावधान, कोशिश ये रहे कि जो कुछ भी करे भले ही किले से सटे रहे, किले से दूर ना हो।
लीला परमात्मा है और बीच में जीव है। एक बार छत्रपति शिवाजी युद्ध जीत के आए, युद्ध गोरिल्ला युद्ध था, छोटे छोटे युद्ध थे, किले जीते जाते थे। जीतने के बाद कुछ सामान, हीरे जवाहरात मोती मिले। अब उनका मंत्रिमंडल था उतने ही आदमी का। मंत्री जी ने पढ़ के सुनाया, इतने हाथी मिले हैं, इतने घोड़े मिले, इतने हीरे मिले, छत्रपति जीत का श्रेय आपको जाता है। लीडर या नेता कभी भी श्रेय स्वयं नहीं लेता, वो अपने कार्यकर्ताओं को श्रेय देता है। ये सभी लोग सर, आप भी संगठन चलाते हैं, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन, परिवार भी एक संगठन है। परिवार की परिभाषाएं लोग करते हैं। लोक मान्यता यह है कि पति पत्नी बच्चे जहां रहें वो परिवार है, यही है ना, कि जहां पति पत्नी बच्चे बच्चे दादा दादी ये लोग रहें उसको परिवार कहा जाता है। लेकिन शास्त्र वचन है कि पवित्र उद्देश्य से एक साथ मिलजुल कर रहने वाले लोगों के संगठन को परिवार कहा जाता है। और अपवित्र उद्देश्य से लड़ने झगड़ने वाले पति पत्नी भी रहे तो परिवार नहीं बचेगा। तभी तो ये अग्रवाल परिवार, संघ परिवार, बहुत सारे परिवार संगठन है, लेकिन वो परिवार है। तो संगठन के नेतृत्वकर्ता अगर जमीन पर हो तो कार्य आसमान पर पहुंचेगा। अगर खुद को ही आसमान में रख लिए तो बस हो गया काम। लीडर कभी भी काम करता है तो आगे करेगा और श्रेय साथ वालों को देगा। और समझ लें कि श्रेय खुद ले रहा है तो ये तो संगठन बिगाड़ने ही वाला है और ये ज्यादा दिन टिकने वाला भी नहीं। तो छत्रपति शिवाजी को जैसे हनुमान जी महाराज कार्य खुद करते हैं, सब आगे बढ़ बढ़ के, जहां जान को जोखिम में डालना है वो हनुमान जी जाएंगे, और भगवान के पास क्रेडिट लेना है तो आगे बिठा देंगे सबको, इन लोगों ने किया है हम तो पीछे पीछे। और छोटी बुद्धि वाला होगा तो बोलेगा भगवान मैं ही तो था, अकेले करके आए तो फालतू है, पीछे थे सब। लेकिन लीडर होगा तो पहले श्रेय कार्यकर्ताओं को देगा, इससे संगठन चलता है। कहा मंत्री ने कि छत्रपति इस जीत का श्रेय आपको जाता, उन्होंने कहा यह जीत किसी एक की नहीं है, हम सब की है। महाराष्ट्र की इस भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए इस वीर भूमि के पुरुषों ने केसरिया बाना पहनकर अपने अंगों की खाद दी है, इसके लिए हमारी माताओं ने अपनी अंजलि भर रक्त से सींचा है, यह जीत किसी एक की नहीं है, हम सब की है। तभी सेनापति आया, छत्रपति आपके लिए एक उपहार है। कौन सा उपहार है? गौहर। गौहर मानो तो कोई स्त्री मालूम पड़ती है। हम मुल्ला अहमद के पुत्र वधु अति सुंदर, हमने सोचा आपके लिए अच्छा थे। सेनापति तुमने हमें समझा नहीं, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। हमारी संस्कृति में नारी मां है और उसके अक्षुण्य गौरव को विस्मृत करना इस महान संस्कृति की संतति के लिए आत्मघात के समान है। और गए शिवाजी, पूछा कहां है वो देवी, डोली में बैठी है। नमन किया, देवी आप अति सुंदर है, काश मेरी मां भी आप जैसी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। तो अंदर से कहती है कि मुझे पता था कि संस्कृति महान है, लेकिन मालूम नहीं था कि इसके पीछे कारण क्या है। धन्य है संस्कृति और धन्य है आपके जैसे इसके रक्षक। इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना मगध की, कि मां ने बेटे के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। यह हो सकता है? सौतेली मां ने बेटे के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। मगध सम्राट अशोक की तीसरी पत्नी तिस्य रक्षिता राजमहिषी थी और उनका बेटा कुणाल अभी जवान था और इस सौतेली मां की उम्र लगभग बराबर थी। और इसने प्रस्ताव भेजा कि सम्राट बुजुर्ग हो गए हैं, मुझसे शादी कर लो, राजा बनवा दो। बहुत तरह के प्रलोभन दिए लेकिन कुणाल नहीं माना, आखिरी में जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया और आखिरी दिन पहुंची प्रस्ताव लेकर कि अगर अभी भी नहीं मानोगे तो मौत के घाट उतरवा दूंगे। कुणाल की आंखों को देख के तिस्य रक्षिता ने कहा, कुणाल तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं,
अगर ये आंखें मेरी नहीं तो तेरी भी नहीं होगी। और लोहे की जलती हुई लाल गर्म सला के मंगवाई और आंखों में डलवा दिया। कुणाल रोता रहा लेकिन इतना ही कहा, मां हमारी संस्कृति में मां से विवाह का रिवाज नहीं है और धर्म तो शाश्वत है, चरित्र अविनाशी है, शरीर नाशवान है, तो इस नाशवान को बचाने के लिए मैं अविनाशी को कलंकित नहीं कर सकता। और इतिहास गवाह है कि मगध के गद्दी पे अंधा सम्राट बैठा। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मह, निशा में उर्वशी को मां कहे इस भूमि का अर्जुन, निरख रमणी सिवा का मातृभाव से भरा था मन। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, बड़ी प्रसिद्धि हो गई। एक गोरी महिला आई युवती, बोले स्वामी जी आपसे कुछ चाहिए क्या, आपके जैसा एक बेटा चाहिए। तो बोले मिल जाएगा, कब मिलेगा, शादी कब होगी। बोले शादी हो और बेटा की जगह बेटी हो जाए तो, आज से आप मेरी मां मैं आपका बेटा, मेरे जैसा क्या मुझे भी। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महो, कामदेव ने बड़ी कोशिश की लेकिन शिव जी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। सकल कला करी को से चली चल समाधि शिव हर प्रकार की कोशिश कामदेव ने कर ली, शिव जी की समाधि नहीं टूटी। उसने एक बाण निकाला मछली के चिन्ह वाले और आम के पेड़ के पीछे से भगवान महादेव के हृदय में संधान किया। सौरभ पल्लव मदनो बिलो प्रयत्न किया। आम के वृक्ष के ओट से छुपकर चलाया बाण। शिव जी ने आंखें खोली, आंखें नहीं खोली आंख खोली, आंखें नहीं खोली। तब शिव तीसर नयन उभारा, तृतीय नेत्र खोला और चितवत काम भयं जरिचा, देखते ही कामदेव जल के भस्म हो गए। तो जब हम आंखें खोलकर संसार को देखते हैं, कामनाएं बढ़ जाती है। संगस्ते सुपजायते कामा, कामाद क्रोधो भी जायते। देखने से, संग करने से पाने की कामना उत्पन्न होती है। हम जब आंखें खोलते हैं तो कामनाएं बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम आंखें खोल दिए और यहां आंख खोली। हम दो आंखें खोलते हैं, उन्होंने तीसरी आंख खोली। संसार में जो हमारी दृष्टि है, हमारा नजरिया है, वो दो ही है, दो ही आंखें हैं। और ये क्या है? राग और द्वेष। कोई अपना है या पराया है, बीच में तो कोई है ही नहीं।
या तो अपना है खास या पराया है, दुश्मन है। दो दृष्टि से हम जगत को देखते हैं, यही कारण है या तो लगाव रहता है या दुराव रहता है। कामना बनी रहती है, या तो पानी की इच्छा होती है या तो छोड़ने की इच्छा होती है। अगर तीसरी आंख खोल ले, जिसे तृतीय नेत्र थर्ड आई कहा जाता है, ये थर्ड आई क्या है? फिजिकली ये आज्ञा चक्र है, सात चक्रों में से एक है, इसकी सिद्धि की अपनी महिमा है। लेकिन बौद्धिक रूप से समझे तो विवेक की दृष्टि मिल जाए, समता की दृष्टि मिल जाए, तो कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। अगर तीसरी नेत्र से हम संसार को देखने लगे, समझने लगे कि संसार में कमियां रहती है, कोई बात नहीं, कौन अपना कौन पराया सब प्रभु का बनाया हुआ है, कौन अपना कौन पराया सब परमात्मा के ही जाया। अगर ये दृष्टि आ जाए तो कामनाएं नष्ट हो जाएंगी, और ये दृष्टि भोलेनाथ में है, इसलिए कामना ध्वस्त हो गई। कामदेव जल के भस्म हो गए, हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। पूरे जगत में हाहाकार मच गया, देवता डर गए, असुर खुश हो गए, कामदेव मरा। तो देवताओं को खुश होना चाहिए, कामदेव मर गया, अब साधु संत तपस्या करें। लेकिन देवता डर गए, असुर सुखी हो गए, क्योंकि समस्या यहां ये नहीं थी कि कामदेव मरा या नहीं, कामदेव मरा तो भोलेनाथ की अब कामना कौन जगाएगा, और विवाह नहीं होगा तो तारकासुर का वध कौन करेगा। इसलिए देवता डर गए और असुर सुखी हो गए कि मालिक बच गए। योगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भय, गुरोद्धति बदति बहुभाति करुणा करति संकर पही गई। कामदेव की पत्नी रति रोती विलाप करती शिवजी के चरणों में गई, कही महादेव आपने मेरे पति को मार दिया, मुझे क्यों छोड़ दिया। कामदेव की पत्नी कम खतरनाक होगी, उसे क्यों छोड़ दिया रति को। रति के बिना यह संसार चल ही नहीं सकता, इसलिए छोड़ दिया। रति मीन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। रति शब्द का अर्थ है लगाव, यहां लगाव नहीं रहेगा तो न ग्रह अपने जगह पर रुक पाएंगे और न आपस में संबंध रह पाएंगे, न मित्रता हो पाएगी, न आपस का व्यापार हो पाएगा, न खुशी मिल पाएगी। लगाव अर्थात समर्पण, समर्पण ही भक्ति का मूल है और यही है रति। भक्तों की भक्ति भी रति के बिना नहीं हो सकती, तभी तो कहते हैं कि धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्माण। भरत जी कहते हैं जन्म जन्म राम जी के चरणों में रति चाहिए। नौधा भक्ति में भगवान राम सबरी जी को सुना रहे, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि मेरी कथा में जिसकी रति हो जाए, समर्पण हो जाए, लगाव हो जाए, आकर्षण हो जाए, ये दूसरी भक्ति है। तो इसलिए रति को नहीं मारा कि रति बुरी नहीं, रति बनी पाठ रति बनी पूजा, रति बिनु पाठ, रति बिनु मानस लागत फीटो, रति बिनु साधु रति बिनु संत, रति बिनु जोक ना होए जति को, कहे गंग कवि सुनू साह अकबर, रति बिनु मानव एक रति को। यदि रति ही न रहे जीवन में, उल्लास ही न रहे, आकर्षण ही न रहे, तो एक रति का है। तो रति बड़ी चीज है, इसलिए रति को नहीं मारा, रति को छोड़ दिया। रति एक शक्ति है, रति को लगाया कहां यह महत्वपूर्ण है। रति यदि श्रेष्ठ कर्मों में लगती है तो स्वर्ग की ओर ले जाती है, यदि रति निकृष्ट कर्मों की ओर लगती है तो नरक की ओर ले जाती है, रति राम में तो उत्थान की ओर ले जाती है, रति काम में तो पतन की ओर ले जाती है। लगाया कहां उस रति को। तो रति रोती हुई भोलेनाथ के पास आई कि मेरे पति को वापस करिए। बोले तेरे पति सर्वव्यापी हो गए, कण कण में व्याप्त। बोले नहीं चाहिए, हमको शरीर वाला चाहिए, जैसा कि इन्होंने कहा शरीर वाला चाहिए। तो कहते हैं भोलेनाथ,
जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, ओई हरण मावहि भारा, ओई हरण मावहि भारा, जब जदुवंश कृष्ण तनया होई पति तोरा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा, बचनु कि अब क्या करें, थोड़ा बढ़ाना है, अब क्या करें, हमारा तो असली जो मिसाइल था सुपरसोनिक वो फेल हो गया, जो 10,000 किलोमीटर जाता था, ये काम देव फेल हो गया, अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भोलेनाथ इतने भोले हैं, उनके पीछे कामदेव छोड़ने की क्या जरूरत है, जाके प्रार्थना करते कि भोलेनाथ विवाह कर लीजिए, कर लेते हो, लेकिन आपने कामदेव छोड़ दिया। भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि एक चोर गया मंदिर में, घंटा चोरी करना था मंदिर का, घंटी कोई टेबल कुर्सी नहीं मिला, शिवलिंग पे खड़ा हुआ उतारने लगा, भोलेनाथ कृपा करो, मांगो बालक क्या मांगना है। बोले प्रभु गलती हो गई, मैं चोरी करने आया था। बोले नहीं, मैं प्रसन्न हूं, तुम मांगो मुझसे क्या मांगना। तो बोले मैंने तो कोई पूजा किया नहीं, अरे दुनिया धतूरा भांग पानी चढ़ा दिया, तुमने तो खुद को चढ़ा दिया, मांग लो जो मांग, इतने भोले वाले। तो देवताओं से कहा ये प्रार्थना करिए, सारे देवता प्रार्थना में लगे कि हे भोलेनाथ आइए विवाह करिए, तारकासुर का वध। तुम भोले भाले शंभो, तुम भोले भाले शंभो, भस्मी रमा वाले, तुम भोले भाले शंभो, भस्मी रमा वाले, भस्मी रमा वाले, भस्मी माने वाले, तुम भोले वाले शंभो, भस्मी रमाने वाले, हे नाथ भक्त जन के संकट मिटाने वाले, हे नाथ भक्त जन के संकट मिटाने वाले,
तुमने सुधा सहित सब संपत्ति बांट डाली, तुमने सुधा सहित सब संपत्ति बांट डाली। अवघन उदार दानी रहते हैं हाथ खाली, अवघन जगहित स्वयं कर बुक से लगाने वाले, जगहित स्वयं कर बुक से लगाने वाले, भोले वाले बढ़ाने वाले, पिछड़ों को साथ लेकर आगे बढ़ाने वाले, तुम भोले भाले शंभु। जग सामने अशिव हो,
ज्ञान भाव जागे धारा बाल वाले तुम भोले वाले सबको हंस मेरा मान वाले भोले बाल सबको मान वाले भोले बाल सबको तुम भोले वाले शंभु बस मेरा मान वाले तुम भोले वाले शंभु बस मेरा मान वाले 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 नाथ भक्त जन के नाथ भक्त जन के संकट मिटाने वाले नाथ भक्त जन के संकट मिटाने वाले तुम भोले वाले शंभु बस मेरा मान वाले सभी देवताओं ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, आश्वासन मिला कि कोई दिक्कत नहीं, मैं विवाह करूंगा। अब सप्तऋषि फिर आए, पार्वती जी को कहते हैं कि अब तो कामदेव भी मर गया, जब कामना ही न हो संसार की तो संसार में आदमी नौकरी व्यापार क्यों करे, शादी विवाह क्या करे, जब कोई कामना ही नहीं फिर तो हिमालय चले। तो शिव जी को कामना ही नहीं है तो विवाह कैसे होगा। तो पार्वती जी कहती हैं कि तुम रे जान काम अब जा रहा, आपकी दृष्टि में काम को अभी जलाया, आपकी दृष्टि में भोलेनाथ अभी तक कामी थे, अब काम जला है, अभी तक वो कामी थे। पार्वती जी सप्तऋषियों से कहती है, क्योंकि वो कहते हैं कि काम जला दिया अब क्या होगा। पार्वती जी ने कहा तुम रे जान काम अब जा रहा, अब लगी शंभु रहे सविकारा, विकार युक्त थे वो अभी तक, कामी थे शिव जी। हमरे जान सदा शिव जोगी अज अनवद्ध अकाम अभोगी, हमारी दृष्टि में तो हमेशा योगी है, निष्काम है, अज है, अज मतलब अजन्मा, ये अज शब्द जो है अजन्मा के लिए और उसी से अजान बना है बाद में, क्योंकि ये भाषा तो बहुत पुरानी है, कि उस अजन्मा की स्तुति करे वो अजान है। तो अज अनवद्ध अकाम अभोगी, शिव जी उधर मान गए, पार्वती जी को भी लेके आ गए हिमाचल, विवाह की तैयारी हुई। जब दूल्हे का परिवार में कोई ना हो तो फिर विवाह में तैयारी कौन करे, और ये ऐसा दूल्हा जिसके मां ना बाप, एक डायरेक्टर मिला फिल्म का बहुत साल पहले, उसने फिल्म बनाई बाल गणेशा, तो उसने कहा कि मैं एक बाल शिवा बनाना चाहता हूं। हमने कहा मत डालना हाथ, लेकिन अभी किसी चैनल पे देख रहे हैं छोटे शिव जी दिख रहे हैं, कोई विरोध करने वाला नहीं, कि किसी को पता ही नहीं शिव जी भी कोई छोटे होते, वो तो स्वयंभू प्रकट है, कोई मां बाप ही नहीं है। बच्चा तो तब होगा जब पैदा हो तो फिर बड़ा होगा वो, ये टेलीविजन पे कैसे चल रहा है, शिव जी के मां बाप कौन है बताए, वो डायरेक्टर किस शास्त्र में लिखा है, कब पैदा हुए, जो स्वयंभू है, अज है, अजन्मा है, जो पैदा ही नहीं हुआ वो बच्चा कैसे हो जाएगा, और फिर
जो बच्चा होगा वो बड़ा होगा, बड़ा होगा वो बूढ़ा होगा, बूढ़ा होगा वो मरेगा, और ये तो शाश्वत है। शिवजी मरते नहीं ना पैदा होते, तो थोड़ा विचार करना आप लोग इस पर। ये टीवी पे आ रहा है, कहीं हमने एक झलक देख ली, छोटा शिव जी, अभी बच्चा है शिव जी, बड़े होंगे, बड़े होंगे तो बूढ़े भी होंगे, और बूढ़े होंगे तो मरेंगे भी, तो शिव जी कभी मरते हैं? मरता वो है जो पैदा होता है, और जो पैदा होता वही बच्चा जवान बूढ़ा होता है, जो पैदा ही ना हो प्रकट हो जाए उसके लिए बचपन जवानी तो होती नहीं है। तो अब उनके तो कोई है नहीं भाई घर में। जब पीछे वाली शादी हो रही थी सती जी के साथ, तो विवाह मंडप में संकल्प कराया, ओम विष्णु विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरज्ञा पर्वतमानस्य द्वितीये परार्धेश्री स्वेद्वाराकल्पे वैवस्वतमन्तरे भूलोके जम्बूदीपे भारतवर्षे भारतखण्डे, सब पढ़ दिया। बोले पिताजी का नाम बोलिए, तो उन्होंने इधर उधर देखा, पिताजी तो है ही नहीं, तो पूछे कि क्या बोलूं, तो जो नवा जी थे बोले बोल दीजिए, नहीं तो शादी नहीं होगी, संकल्प ही नहीं होगा तो शादी कैसे, तो क्या बोल, तो बोले बोल दीजिए विष्णु भगवान मेरे पिताजी, तो बोल दिया विष्णु। दादाजी का नाम बोलिए, बोले अब कहां से लाऊं दादा, बड़ी मुश्किल से तो बाप ढूंढा, बोले ब्रह्मा जी दादा, बोले ब्रह्मा जी दादा, पर दादाजी का नाम बताइए, अब कहां, दो ही थे, तो शिव जी ने कहा मेरे पिता विष्णु, उनके पिता ब्रह्मा, और उनका बाप मैं, पर दादा मैं ही। तो जिसके माता पिता नहीं, ऐसे भोलेनाथ की शादी की तैयारी हो रही है, और बाराती कौन कौन आए, इंद्र देव आए, वरुण देव आए, अग्निदेव आए, नारायण स्वयं आए, कुबेर आए, सब रथ पे सज धज के, लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया, गंगा मैया, सभी लोग पहुंचे सज धज के। अब गणों ने देखा ये तो सज के आ गए बाराती, दूल्हे को तो सजाया ही नहीं, तो पूछा कि आप लोग कहां से सज के आए, बोले ब्यूटी पार्लर से, बैकुंठ में ब्यूटी पार्लर है, स्वर्ग में ब्यूटी पार्लर है, तो यहां क्या मिलेगा, मुंह में क्या लगाया, पाउडर, अच्छा गए शमशान में भभूति उठा, यही पाउडर है, हड्डी खोपड़ी सांप बिच्छू ये मेकअप का सामान इकट्ठा किया, और लाके शिव जी के गणों ने उनका श्रृंगार प्रारंभ किया। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, कृपा
गण कर ही सिंगारा जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव जी के गणों ने महादेव का श्रृंगार प्रारंभ किया, उनके जटा को मुकुट बना दिया और एक मोर जो पहनाते हैं, एक सांप बिठा दिया, कुंडल बिच्छू लगा दी कुंडल के जगह पर, तन में भस्मी लगाई और खोपड़ी की माला पहना, ऊपर चंद्रमा और गंगा जी निकल रही है। इतना भयानक सुंदर चेहरा आपने कभी नहीं देखा होगा, इतना भयानक सुंदर कभी नहीं देखा होगा। जैसे ही भगवान विष्णु ने देखा कि ये दूल्हा है तो इशारा किया देवताओं, नाश्ते पे आफत आ जाएगी बराती में। अगर दूल्हे को एक बार देख लिया लड़की वालों ने ठीक से, तो बरातियों को तो भोजन भी नहीं मिलने वाला। इसलिए पहले चलिए, ये दूल्हा आएगा बैल पे अपना धीरे धीरे, तब तक हम लोग नाश्ता पानी करके तैयार रहेंगे भागने के लिए। पहुंच गए सारे बराती। उधर तो ये हो रहा है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा, बराती इतने सुंदर है। इंद्र कुबेर भगवान विष्णु ये देख के लोग निहाल है। अब यहां शिव जी ने देखा सब कोई अपना नहीं। उन्होंने अपने नंदी से कहा कि जो अपने सगे रिश्तेदार है उनको बुलाओ। तो उस नंदी ने सूक्ष्म प्रेरणा भेजी, जितने भी विश्व के शमशान है सब जागृत होने लगे, क्योंकि जितने भूत प्रेत पिशाच सबके स्वामी तो यही है भूतनाथ। भूतनाथ यही है, रक्षा विधान करते हैं ना, तो उसमें भी भगाते हैं, कहते हैं कि आप शिव जी की आज्ञा से यहां से भागो। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, पूरा यूरोप, सभी समान शमशान जा गए। इधर इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, जापान, चाइना, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मलावी, स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, नाइजीरिया, नाइजर, मेडागास्कर, मणिपुरी, मॉरिशस तक सब समान शमशान से धूल ऊपर उड़ने लगा। भूत प्रेत पिशाच सब जागने लगे और सब हिमालय पहुंचने लगे। और वहां जब आए तो वो कैसे थे वो स्वामी जी ने वर्णन किया। को मुख ही न विपुल मुख का सिरकट्टा कहते हैं गांव में, बिना सिर वाला प्रेत, और किसी के शरीर छोटा सिर ही सिर है और किसी को आंखें ही आंखें हैं, कोई रक्त लपेटे हुए है। शिव जी का श्रृंगार किया, इतना भयानक श्रृंगार किया। अभी वाले तो टीवी सीरियल में अच्छे ड्रेस पहना दिया, लेकिन गोस्वामी जी ने श्रृंगार किया कि विवाह में जाए, गृहस्थी में जाए या साधु बनने जाए, ये रूप को जरूर याद कर लेना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ योगियों के महायोगी हैं।
साधुओं के बड़े साधु और गृहस्थियों के सबसे बड़े गृहस्थी है। तो ये रूप इसलिए याद रखना कि सिर से गंगा जी बह रही है, वो तो प्रकृति में व्याप्त शिव का स्वरूप है, जो गोमुख से गंगा निकल रही है उनकी जटाओं से। लेकिन इस रूप में अगर देखें तो अगर सिर से गंगा जी निकल रही है तो शिव जी ने करवट बदली, गंगा जी उधर से निकलने लगे। अगर बैठे हुए निकल रही है तो शिव जी टहलेंगे नहीं, करवट बदलेंगे। अगर बदल लिए तो गोमुख से निकलना छोड़ के दिल्ली से निकलने लगे। इसका मतलब है ज्ञान की गंगा सतत प्रवाहित होनी चाहिए। मस्तिष्क दोनों गृहस्थी और साधु के लिए भी शांत और शीतल रहना चाहिए। चंद्रमा चांद लेके घूमते रहे भोलेनाथ, तो जब लेट जाए तो चांद जहां है वहां नहीं रहेगा, भौगोलिक स्थिति बदल जाएगी। ये भी प्रतीक है शांति का। योगी क्योंकि गृहस्थी भी महायोगी है, कम जंजाल नहीं। तपस्या का मतलब है कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में मन स्थिति को संतुलित रखना। घर में परिस्थितियां ठीक लगती है इसलिए तपस्वी वन में जाता है कि ठंड के मौसम में घर वाले हीटर न चला दे, घर वाले रजाई न उड़ा दे, इसलिए बर्फ में जाके बैठूंगा, कोई रोके नहीं और मन को साधूंगा। समत्वम योग उच्चते, संभाव में मानसिकता आ गई तो योग सिद्ध हो गया, परमात्मा मिल गए। और गर्मी में, घर में गर्मी है कहीं कूलर न चला दे इसलिए वहां पंचग्नि तपेंगे जाके, नहीं तो घर में भी विपरीत परिस्थितियां कम है, कभी पत्नी नाराज है, कभी पति नाराज है, तो कभी बॉस नाराज है, कभी बिजनेस में घाटा हो गया, तो कभी टेंशन है, किसी से झगड़ा हो गया। इस परिस्थिति में भी जो संतुलन बना के रखे वो सबसे बड़ा योगी है। तपस्या का मतलब परिस्थितियां हमेशा आपके अनुकूल नहीं रहने वाली, इसलिए मनस्थिति को संतुलित कर लें तो हमेशा आनंद में रहेंगे। तो ये तपस्या है, शांति मन में रहे, क्रोध न रहे, दोनों के लिए। कहते क्रोध पाप कर्म, और यहां हर बात, कई लोग तो क्रोध को अपना प्रतिष्ठा बना लेते हैं। अरे मैं तो बर्दाश्त नहीं करता हूं जी, मेरी तो आदत है, मैं तो सामने बोल देता हूं, मैं तो गुस्सा कर देता हूं। ये आपके खूबी नहीं, कमजोरी है। और आप बोलते हैं कि ये मेरी खूबी है, मैं तो ऐसे ही बोल देता हूं, मैं तो ऐसा ही हूं। क्यों है भाई, बदल जाइए, थोड़ी अच्छी जिंदगी जी लो, क्यों परेशान। एक जगह हमने एक संत सुना रहे थे कि एक जगह एक बड़े संत आए, ये तथा कथित संतों पे व्यंग है। एक संत आए, बड़ी भीड़ लगी थी, पोस्टर लगा था, टेलीविजन में आ रहा था,